राइट निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस पुणे वी लर्न इंग्लिश आओ अंग्रेजी सीखे पाठ बासठ आप सबको सुनीता दीदी का नमस्कार रंजना और संतोष कहाँ गए होंगे आप सब ने अंदाजा लगा ही लिया होगा वो दोनों अपने माधवन भैया को लेने स्टेशन गए हैं दे आर एट द रेलवे स्टेशन कहा? गाड़ी कितने बजे आएगी ए टी एम ऐसे सुनाई दिया ना? हाँ एट ए एम अभी सिर्फ साढ़े सात बजे हैं जल्दी चल जल्दी चल बोलकर ले आए एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी वेन डज द चेन्नई एक्सप्रेस कम द चेन्नई एक्सप्रेस कम्स एट एट ओ क्लॉक थैंक यू योर वेलकम सारी जानकारी मैंने ली और तू ऐसे बता रही थी जैसे इस दुनिया की सारी जानकारी तेरे पास है हाँ है वेन डज द चेन्नई ट्रेन कम वेन विल द चेन्नाई ट्रेन कम दोनों वाक्यों में तुझे फर्क नहीं दिखता हाँ वेन डज द चेन्नाई ट्रेन कम इसका मतलब चेन्नई गाड़ी कब आती है गाड़ी के रोजाना आने का समय क्या है वेन विल द चेन्नाई ट्रेन कम इसका मतलब ये गाड़ी आज कब आएगी हाँ जो काम तुम रोज नियम से करते हो उसके लिए कहते हैं वेन डज सुनीता दीदी गो टू हर ऑफिस व्हेन डज संतोष ब्रश टीथ? ए मैं रोज ब्रश करता हूँ हाँ संतोष चल ऐसा करते हैं। वहाँ सभी गाड़ियों का टाइम लिखा है मैं एक एक गाड़ी का टाइम पूछूंगी तो अंग्रेजी में बताएगा ठीक है तू भी अंग्रेजी में पूछेगी चल वेन डज द कानपुर एक्सप्रेस कम ओके द कानपुर एक्सप्रेस कम्स एट ओ क्लॉक ये तो बहुत ही सरल है बिल्कुल मजा नहीं आ रहा वेन विल माधवन भैया कम ही विल कम एट एट ओ क्लॉक वो देख गाड़ी आ रही है पीछे खी सा पीछे तो माल गाड़ी थी आठ बजने वाले हैं। अब आएगी माधवन भैया की गाड़ी गाड़ी लेट भी तो हो सकती है नो 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 द ट्रेन इज नॉट लेट इट विल कम एट एट ओ क्लॉक तुझे कैसे पता वहा देख लिखा है चेन्नई पटना एक्सप्रेस अराइवल एट ए एम भैया की गाड़ी आ गई रंजना पीछे खी जंप अप एंड डाउन माधवन भैया उतरेंगे तो हमें दिख जाएंगे वहाँ है माधवन भैया हाय माधवन भैया Oh, 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 sorry, 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 sorry. <laughs> so, Ranjana, Santosh, I am so happy to see you again. I am also happy. How are you? Oh, I am fine. And how are you, Ranjana? I am fine. Thank you. I am happy to see you. Are you practicing your English? Yes, Madhavan Bhaiya. Ranjana and I speak good English. Madhavan Bhaiya? Are you practicing your Hindi? No, no Hindi in Chennai. But now I will practice Hindi in Gopalpura. <laughs> now how will we go to Sunita Didi's house? We will go Riksha. We will go by Riksha. Okay. Tell me, what were you doing at the station? We were practicing English. Oh good. <laughs> आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे ध्यान से सुनिएगा हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे टीचर जी आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको आसानी रहे वेन डू यू कम टू School, I come to school at nine o'clock. When do you go home? I go home at three o'clock. My sister goes to work at eleven o'clock. My father comes home at four o'clock. अब आपकी बारी है स्कूल में या घर में आप जहाँ भी हूँ मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा बिना किसी शर्म के बिना किसी डर के इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी तुम पाठशाला में कब आते हो घर कब जाते हो ये सब हमने आज अंग्रेजी में बोलना सीखा है अब हम उसी का अभ्यास करेंगे अभी हम सिर्फ एट ओ क्लॉक नाइन ओ क्लॉक यही समय बताना सीखेंगे नौ पच्चीस दस चालीस वगैरह हम बाद में सीखेंगे मैं हर बच्चे से पूछूंगी वेन डू यू कम टू स्कूल मतलब तुम पाठशाला कब आती हो या तुम पाठशाला कब आते हो वेन मतलब कब ठीक है ना? पहले मैं प्रश्न पूछूंगी और तुम सब मेरे बाद वही प्रश्न एक साथ बोलना वेन डू यू कम टू स्कूल अब हम इसी प्रश्न का उत्तर देंगे मान लो कि मैं नौ बजे पाठशाला आती हूं तो मैं ये अंग्रेजी में कैसे कहूंगी मैं कहूंगी आई Come to school at नाइन ओ क्लॉक मेरे बाद तुम सब एक साथ बोलो आई कम टू स्कूल एट नाइन ओ क्लॉक समझ गए ना अब इसी का अभ्यास करते हैं टीचर जी दो बच्चों को खड़ा करेंगे एक बच्चा प्रश्न पूछेगा When do you come to school? और दूसरा बच्चा उत्तर देगा सेवन ओ क्लॉक या एट ओ क्लॉक या जो भी समय वो आता है वो बताएगा चलो तो फिर दो बच्चे खड़े हैं प्रश्न उत्तर शुरू करो वेन डू यू कम टू स्कूल आई कम टू स्कूल एट नाइन ओ क्लॉक गुड अब पाठशाला से घर कब जाते हो ये अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे मैं पूछूंगी वेन डू यू गो होम होम मतलब घर मेरे बाद यही प्रश्न सब एक साथ दोहराओ ठीक है वेन डू You go home? प्रश्न सही पूछा या नहीं यह टीचर बताएंगे अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है मान लो कि मैं घर तीन बजे जाती हूं तो मैं कहूंगी आई गो होम एट थ्री ओ क्लॉक अब यही वाक्य मेरे बाद कहो आई गो होम एट थ्री ओ क्लॉक अब हम जोड़ी में अभ्यास करेंगे एक बच्चा प्रश्न पूछेगा वेन डू यू गो होम और दूसरा बच्चा उत्तर देगा आई गो होम एट फाइव ओ क्लॉक या सिक्स ओ क्लॉक या जो भी समय हो वो शुरू करें दो बच्चे तैयार सही कहा ना अब यही प्रश्न तुम अपने मित्रों तथा सहेलियों से पूछ सकते हो औरों के बारे में भी तुम इसी तरह बता सकते हो यानी माँ या पिताजी कितने बजे काम पर जाते हैं कब घर आते हैं तुम्हारे भाई बहन पाठशाला या कॉलेज में कब जाते हैं यह सब अंग्रेजी में कह सकोगे ना अब ऐसा करते हैं कि हमेशा की तरह टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे और मैं जो वाक्य कहूं वही वाक्य उसे अंग्रेजी में कहना है हु? एक उदाहरण देती हूं ध्यान से सुनो मेरी माँ नौ बजे काम पर जाती है माई मदर गोस टू वर्क एट नाइन ओ एक बच्चा खड़ा हो गया मेरा कहा वाक्य ध्यान से सुनो और फिर वही वाक्य अंग्रेजी में बोलो मेरे पिताजी आठ बजे घर आते हैं My father comes home at एट ओ क्लॉक ठीक कहा ना? अब दूसरा बच्चा अंग्रेजी में बताओ मेरा भाई ग्यारह बजे कॉलेज जाता है My brother goes to college at इलेवन ओ क्लॉक ऐसे ही कहा ना शाबाश अब एक और बच्चा खड़ा हो जाए मेरी बहन पांच बजे घर आती है माई सिस्टर कम्स होम एट फाइव ओ क्लॉक सही कहा ना वेरी गुड अब अगले पंद्रह मिनट टीचर जी अभ्यास करवाएंगे वेन डू यू कम टू स्कूल और वेन डू यू गो होम इन प्रश्नों के अलावा मेरा मित्र नौ बजे कॉलेज जाता है या मेरी बहन चार बजे घर आती है ऐसे वाक्य टीचर जी तुम्हें बताएंगे और तुम उन्हें अंग्रेजी में कहना आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ तो अब हम मिलेंगे कब अगले पाठ का समय होगा जब